चोकसे सर हमारे साथ में है। सर, आत्मकथा लिखना किसी व्यक्ति का सपना होता है और वो चीज़ें दुनिया को देना चाहता है जो उसने दुनिया से सीखी है, और एक पूरा सार देना चाहता है। आपको कब लगा कि मेरी आत्मकथा आनी देखिए, चाहिए पहली और किस बात प्रकार यह आनी है चाहिए? कि ये मेरी आत्मकथा नहीं है, जी मेरे जीवन की कथा इन्होंने लिखी है जैसा मैंने इनको सुनाया है। जी 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 हाँ ये जी 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 बायोग्राफी नहीं है, जी 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 ऑटोबायोग्राफी नहीं है, जी ये जी बायोग्राफी है। मेरा जो भी विचार प्रक्रिया बनी है जी पिछले 50 सालों में, जी मेरा आदर्श लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। जी मैं आज भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया को हर महीने में 2-4 पेज जरूर पढ़ता हूँ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के माध्यम से मैंने अपने देश को समझा, जी देश को प्रेम करना से सीखा है, जी और उसी की वजह से मैंने लिखना भी सीखा है। जी जी मैं कोशिश करता हूँ कि जैसा नेहरू जी प्रोज लिखते थे, जी जी जो पोइट्री से कम नहीं था, जी अपन कोशिश करें तो हम वहाँ तक तो कभी पहुँच नहीं सकते। अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ये 25 साल में कॉलम लिखते समय 2 बार कैंसर हुआ है जी 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 और विविध बीमारियाँ हुई हैं, जी लेकिन एक भी दिन कॉलम मिस नहीं हुआ है। जी मैंने बॉम्बे के हॉस्पिटल ICU वार्ड में भी बैठ के लिखा है, जी और मैं हमेशा लिखता हूँ, डिक्टेशन नहीं देता हूँ, कागज़ पर मैं हमेशा अपने हाथ से लिखता हूँ। जी ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। और आपसे बातचीत हो रही है, क्योंकि आपको हम जिस तरह जानते हैं, एक आपको किस्सा मैं बताता हूँ, फिर आपसे चर्चा भी करेंगे, कि एक फिल्म इंडस्ट्री में एक लड़का आया था जो बचपन में सोचता था कि मैं बड़ा होकर रेल इंजीनियर बनूंगा, रेल का इंजन ड्राइवर बनूंगा। उससे पूछा गया कि भाई राज आप कपूर है, राज कपूर मैं है? जानता हूँ ये हाँ, बात। यकीनन आप समझ गए इस बात को। हाँ, मैं जानता हूँ तो वहाँ। जयप्रकाश चोकसे राज कपूर के पर्याय माना जाते हैं। यदि उनका कोई आर्टिकल हो उसमें यदि राज कपूर नरगिस की बात ना हो तो खाली जाता है। राज कपूर और नरगिस को आज आज की तारीख में आप कैसे याद करते हैं? भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए उनका क्या योगदान है? देखिए, राज कपूर ने फिल्म बनाना शुरू किया 1946 से, जी तो 1947 टू 1964 जी ये भारतवर्ष के इतिहास में जवाहरलाल नेहरू का युग कहलाता है। जी भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी योजना, जी भिलाई इस्पीत, जी हैं साहित्य अकादमी, कला अकादमी, जी 17 इंस्टीट्यूशंस बनाए, जी भाभा एटॉमिक एनर्जी फोर सब बनाया। तो आज जो भारत खड़ा है वो नेहरू की बनाई हुई ज़मीन पे खड़ा है। यकीनन हाँ, तो मैं वो उनको पढ़ता हूँ, और उनको पढ़ते पढ़ते मैंने लिखना भी सीख लिया, बहुत बढ़िया। तो मैं उसी तरह से लिखता हूँ। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपका लेखन सतत जारी रहे और हम आपको ताउम्र पढ़ते रहे। इसी शुभकामना के साथ में आपको नमस्कार।